20 से 25 के बाद इस खेल का पटाक्षेप हो जाएगा और इंटर स्तरीय में जो 13,120 बच्चे हैं उनका जो सपना है वो सपना पूरा होने जा रहा है। देर से ही सही लेकिन दुरुस्त होने जा रहा है। आपको सेंसिटिव मुद्दा अभी बना हुआ था तो उस सेंसिटिव मुद्दा को देखते हुए जो अलग अलग विभाग के कुछ विशेषज्ञों को इसमें दिया गया कि इसका जितना जल्दी हो सके पटाक्षेप किया जाए, तो मई में निश्चित रहें बच्चे कि उनके समस्या का निराकरण हो रहा है। समय तक आवाज उठाएंगे जब तक कि 13,120 बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हो जाता है, चाहे इसके लिए किसी भी तरह का अहिंसात्मक आंदोलन करना क्यों ना पड़ जाए। कि बीएसएससी को मैं सड़ा हुआ आयोग मानता था, मानता हूँ, और जब तक ये अपने कार्य में पूरी तरह से सफलीभूत नहीं होता तब तक इसको सड़ा हुआ आयोग मानते रहेंगे। और इस बार इतना लेट नहीं होगा, अगर इस बार इतना लेट होता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि तमाम बच्चों के साथ अहिंसात्मक आंदोलन करके और आमरण अनशन करके जान दे देंगे। लेकिन बीएसएससी जैसे सड़े आयोग को समाप्त करने की अनुशंसा माननीय मुख्यमंत्री से करेंगे, क्योंकि इस आयोग का कोई औचित्य नहीं है जो बच्चों के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा और तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा, आपको बताएं फॉर्म आ गया है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है कि आखिर प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा जो है वो कब क्लियर होगा, मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा। लगातार छात्र फ़ोन मैसेज कर रहे हैं। हमारे साथ हैं रहमान सर, इनसे ही बात करेंगे। सर आखिर सर कब ख़त्म होगा, आखिर ये कभी ना ख़त्म होने वाला परीक्षा 8 सालों से है, अब मेरिट लिस्ट का इंतजार हो रहा है, कोर्ट में भी केस वापस ले लिया गया छात्रों के द्वारा, संभावनाएं कब तक बन रही है कि मेरिट लिस्ट दे दिया जाएगा। देखिए आदेश, एक तो बहुत बड़ी बात है कि आपने सही यूज किया कि कभी ख़त्म न होने वाला ये एग्ज़ाम था, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको हम बता दूं कि छात्रों ने केस वापस ले लिया, ये खुशी की बात है। इसके लिए आप लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं, हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि बार बार चिल्लाते रहे। अभी बहुत मीटिंग हुई, कहिए कि मैराथन मीटिंग हुई, अधिकारियों से बात करने पता चला और बहुत सारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी इस काम में लगाया गया। तो हमको जहाँ तक लग रहा, जो संभावना अधिकारी से बात करने के बाद, कि 20 से 25 के बाद इस खेल का पटाक्षेप हो जाएगा और इंटर स्तरीय में जो 13,120 बच्चे हैं उनका जो सपना है वो सपना पूरा होने जा रहा है। देर से ही सही लेकिन दुरुस्त होने जा रहा है और आपको 20 से 25 के बाद पूरी संभावना है कि उनके आ जाएगा। हाँ, मई में आ जाएगा, मई में किसी हालत में आ जाएगा। जो इनके बड़े सबसे बड़े अधिकारी से बात करने में पता चला कि काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री के पास भी ये बात पहुंची और यहाँ तक कि मैंने बात आपको गृह राज्य मंत्री के पास भी उठाया कि इस तरह की बात को, आपको जितने बिहार के कैबिनेट मंत्री थे उनके साथ ही उठाया। तो ये बहुत ही आपको सेंसिटिव मुद्दा अभी बना हुआ था, तो उस सेंसिटिव मुद्दा को देखते हुए जो अलग अलग विभाग के कुछ विशेषज्ञों को इसमें दिया गया कि इसका जितना जल्दी हो सके पटाक्षेप किया जाए, तो मई में निश्चित रहें बच्चे कि उनके समस्या का निराकरण हो रहा है, बहुत देर से ही लेकिन दुरुस्त होने जा रहा है। सर लेकिन आपने 13,120 पद कहा, 12,000 के आसपास तो काउंसलिंग कराए हैं, ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या सेकंड लिस्ट भी जारी हो सकता है या होना चाहिए? नहीं, सेकंड लिस्ट जारी हो सकता है और हो सकता है तो होना ही एकदम जेन्युइन बात है, और अगर नहीं होता है तो उसके लिए जिस तरह हम लोग आवाज़ उठा रहे थे 13,120 के लिए, तो हम लोग आवाज़ उठाना नहीं छोड़ेंगे। आप हैं, हम हैं, जो भी हों, दिलीप हों, जो लोग भी हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं आवाज़ उठाएंगे और उस समय तक आवाज़ उठाएंगे जब तक कि 13,120 बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हो जाता है, चाहे इसके लिए किसी भी तरह का अहिंसात्मक आंदोलन करना क्यों ना पड़ जाए। सर तृतीय सर स्नातक स्तरीय परीक्षा आया है सर, उसका सर आप ST के लिए आपने देखा होगा कि ST के लिए जो है वो 1300 कुछ सचिवालय का सीट है, उसमें एक भी पद नहीं रखा गया है, क्या कहना है सर, क्या आखिर उनके साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? देखिए अन्याय की बात नहीं है, ST का सीट आपको ST का सीट अभी कोई खाली नहीं था, जैसे कार्मिक से भी पता लगा है, हम चूँकि सचिवालय में बहुत बच्चे हैं तो खाली नहीं था, एक सीट खाली था तो उसमें क्यों नहीं दिया गया वो तो नहीं कहा सकता है, लेकिन ST का कोई सीट खाली नहीं है, आप किसी भी परिस्थिति से पता लगा लीजिए। लेकिन फिर भी
सरकार को चाहिए था कि कुछ सीट क्रिएट करके देना चाहिए था, क्योंकि एसटी कम ही सही, कम मात्रा में है, लेकिन उनको सीट देना चाहिए था, ये उनके साथ गलत हुआ। परीक्षा कब होगा सर इसका? सर देखिए, परीक्षा किसी भी परिस्थिति में, मैंने पूछा था तो जुलाई उन लोगों ने बताया था, लेकिन जुलाई में परीक्षा होने नहीं जा रही है। जुलाई के बाद आपको 3 से 4 महीना के अंदर में परीक्षा लेने का इन लोग दम्भ भर रहा है। यद्यपि मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूँ कि BSSC को मैं सड़ा हुआ आयोग मानता हूँ, और जब तक ये अपने कार्य में पूरी तरह से सफलीभूत नहीं होता तब तक इसको सड़ा हुआ आयोग मानते रहेंगे। लेकिन 3-4 महीना को मान के लड़के PT की तैयारी करें, मेंस की तैयारी करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि अब YouTube के चक्कर में न रहें, क्योंकि दारोगा की परीक्षा से स्पष्ट हो गया है कि एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और YouTube के चक्कर में लड़का का परीक्षा खराब हो रहा है। बेसिक किताब पढ़ें, 4 महीना के अंदर परीक्षा हो जाएगी, और इस बार इतना लेट नहीं होगा। अगर इस बार इतना लेट होता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि तमाम बच्चों के साथ अहिंसात्मक आंदोलन करके और आमरण अनशन करके जान दे देंगे, लेकिन BSSC जैसे सड़े आयोग को समाप्त करने की अनुशंसा माननीय मुख्यमंत्री से करेंगे, क्योंकि इस आयोग का कोई औचित्य नहीं है जो बच्चों के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। सर एक और प्रश्न हमेशा मैं उठाता हूँ, क्वेश्चन पेपर एंसर शीट इंडेक्स कितना है, क्या सचिवालय सहायक तीसरे में बताया जाएगा? हाँ बिल्कुल, सचिवालय देखिए, निस्संदेह BSSC सड़ा हुआ है आयोग है, मैं कहता हूँ सड़ा हुआ, जो करना है अध्यक्ष महोदय को और सचिव महोदय को कर लें, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे भी गाली बकता है लोग हमको, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। BSSC इस मामले में पूरी तरह से आपको एंसर शीट भी जारी करेगा, OMR शीट भी देगा और उसका इंडेक्स भी जारी करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, निश्चित रूप से जारी करेगा। बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो BSSC प्रथम इंटर स्तरीय को लेकर सर का कहना है कि मई अंतिम तक, यानी कि 20 मई के बाद काउंटडाउन शुरू होता है कि मेरिट लिस्ट दे दिया जाएगा। हालांकि क्या देरी हो रहा है, क्या है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, और लेकिन 12 जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं दूसरे विभाग को, उनको लगाया गया है, BSSC ने इन्वाइट किया है प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर। तो मई में संभावनाएँ हैं और आशा है, और हम उम्मीद करेंगे कि इस परीक्षा का समापन हो जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें, धन्यवाद।